हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि लिब्रा के लिए ये जो सितंबर का मंथ है ये कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज़ होने वाली हैं। एंड ये सन मून राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर लिब्रा, यानी कि तुला राशि के लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सो पहला कार्ड जो आया है वो आया है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। अब आपकी लाइफ में अलग अलग डायरेक्शंस में मूवमेंट होंगी। कहीं पे आपके पास हो सकता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आए कि आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, कहीं पे आपके पास अपॉर्चुनिटी या फिर आपके पास एक ऐसी मूवमेंट आ सकती है लाइफ में या डायरेक्शन आ सकती है जहाँ पे आपको अपने घर का ध्यान रखना है। कहीं पे आपको हो सकता है कि आपको अपनी रोमांटिक लाइफ को चूज़ करना पड़े, कहीं पे आपको फाइनेंसेस को प्रायोरिटी बनानी पड़े, अपने काम को प्रायोरिटी बनानी पड़े। सो डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग, अलग अलग चीज़ें होंगी। ठीक है, काफ़ी ड्रामेटिक मंथ जाएगा आप लोगों के लिए। रोमांस की भी एनर्जीज़ हैं, लव लाइफ की एनर्जीज़ भी हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली एनर्जीज़ भी हैं, फाइनेंसेस की भी एनर्जीज़ हैं एंड ट्रैवलिंग की भी एनर्जीज़ हैं। ओके, तो डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर लिब्रा। ओके, और जितनी ज़्यादा डिफरेंट डायरेक्शंस होंगी उतने ज़्यादा चॉइसेस भी बनानी पड़ेंगी, उतने ज़्यादा सही तरीके से। बेसिकली ये जो मंथ है, बिकॉज ये काफ़ी ड्रामेटिक होगा, काफ़ी चीज़ें होंगी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप एक स्केड्यूल क्रिएट करो, आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच रखो व्हेन इट कम्स टू सितंबर। बिकॉज अगर आप वो सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं रखोगे, आप डिसीजंस लेने में कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे। आपका एक काम बनना है, आपके दो काम बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए जितना ज़्यादा सिस्टमैटिक हो सको उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर होगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। और साथ में ना मुझे एक ये भी चीज़ लग रही है कि ऐसा हो सकता है कि कहीं पे आप अपनी रोमांटिक लाइफ को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर दो, जो आपको नहीं करना है। ओके, मेक श्योर कि आप हर चीज़ को एक सिस्टमैटिक तरीके से ही कर रहे हो, अदरवाइज़ इट कैन ओवरवेलम यू। और आपको जो सही डिसीजंस बाकी जगहों पे लेने थे वो डिसीजंस को आप कैंसिल कर सकते हो बिकॉज ऑफ वन थिंग। ओके, क्लैशेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कहीं पे भी अटेंशन देते हैं तो वो गलत हो ही जाता है। तो वैसे ही रोमांटिक लाइफ में भी अगर आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, बहुत ज़्यादा अटेंशन दोगे इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो वो आपके लिए और क्लैशेस ही क्रिएट कर सकता है। ओके, या करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज़ प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स। सो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी लग रही है ना, वो मुझे सपोर्ट की एनर्जी लग रही है। ऐसा हो सकता है कि लेट्स से आपके जो पार्टनर हैं, आपके बच्चे हैं अगर, या व्हाटएवर आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, कुछ आपको किसी चीज़ में नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली आपका ध्यान रखते हैं या किसी भी तरीके से अगर वो आपका ध्यान रखते हैं, तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको वो सपोर्ट वापस देना है। या अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आपको वो सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपके आसपास जो लोग होंगे वो आपके साथ एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग लेवल बिठाएंगे, चाहे वो आपके बच्चे हैं, वो आपके दोस्त हैं, वो आपके कलीग्स हैं, जो भी हैं। ठीक है, एक अच्छा खासा आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको वो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको वो नर्चरेंस मिलती हुई दिख रही है, जहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके काम को, आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ किया जाएगा। स्पेशली आपके जो पार्टनर हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिकग्नाइज़ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। दे आर गोइंग टू सी यू फॉर हु यू आर। ठीक है, अगर ये पर्सन जो थे ये पहले बहुत कंप्लेनिंग थे या इनके अंदर बहुत चीज़ें रहती थी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ब्ला ब्ला ब्ला, सो this is going to decrease. Okay, this person is going to be there, available for you with their presence to support you in whatever ways they can. Next is our crown chakra. So 7 number is important. ओके, 7 सितंबर हो सकता है कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, या 7 हो सकता है आप लोगों की लाइफ पाथ नंबर है, कुछ लोगों के लिए बर्थ डेट हो सकती है। जो भी 7 जो है वो एक सिग्निफिकेंट नंबर लग रहा है आप लोगों के लिए। एंड उसके साथ साथ आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके अंदर एक असेंशन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। तो जब क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है, हम यूनिवर्स के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाते हैं, हम चीज़ें सही करने लग जाते हैं। बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो इम्परफेक्ट होता है, हम सब परफेक्ट हैं। बट एनवायरनमेंट की वजह से, हमारे कर्मास की वजह से हमारे अंदर वो इम्परफेक्शंस भी हैं। तो नाउ एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है जहाँ पे यू विल हैव सम काइंड ऑफ अ कृपा और ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, जब हमारा क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है, एक मुझे ना एक ऐसी फीलिंग आ रही है, ब्लिस वाली जो फीलिंग होती है ना, वो आप बहुत एक्सपीरियंस करोगे। अब चाहे आप पूजा के थ्रू करो, ठीक है, आप भक्ति के थ्रू करो, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन के थ्रू करो, आप अपने कर्मों के थ्रू करो, गाने सुनते हुए करो, भजन सुनते हुए करो, कीर्तन करते हुए करो, कुछ भी करते हुए, जो भी आप दिल से करोगे, वहाँ पे कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जहाँ पे आप कंप्लीट ब्लिस वाली स्टेट को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके, और ये ब्लिस वाली जो स्टेट होती है ना, इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये जो है ये एक्सपीरियंस ही होते हैं, ये कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे आप। सेकंड जो आया है वो आया है सैक्रिफाइस का कार्ड। सो आई डू फील कि अगर आपने कोई भी सैक्रिफाइसेस किए हैं, ठीक है, तो एक तो होता है जब हम सैक्रिफाइस करते हैं, हम बहुत रोना धोना करते हैं कि ओ हमने ना इतना सैक्रिफाइस किया है, ओ हमने ना ऐसा किया है, वैसा किया है। बट यहाँ पे आप अपनी सैक्रिफाइस या आपने जितने भी सैक्रिफाइस किए हैं, उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा आप और पावरफुल बन रहे हो। ओके, एंड इस चीज़ को आप बहुत प्राउडली एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो दैट येस आई हैव सैक्रिफाइस्ड समथिंग, एंड उस सैक्रिफाइस करने के बाद मुझे ये चीज़ मिली है। ओके, उस सैक्रिफाइसेस के बाद या गलत आदतें छोड़ने के बाद, गलत चीज़ों को छोड़ने के बाद, या व्हाटएवर कुछ भी ऐसी चीज़ सैक्रिफाइस करने के बाद, यू आर गोइंग टू सी अ डिफरेंट साइड ऑफ योर्स। ओके, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी विद इन यू। एक अलग टाइप की एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हो। इट्स लाइक जैसे वो जो लोटस होता है, वो मिट्टी में जो कीचड़ होती है उसके अंदर वो उगता है, राइट? तो उस टाइप की आपको एक फीलिंग आती हुई दिख रही है। लोटस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर मुझे दिख रहा है। अगर आप लोटस के साथ आप वर्क करते हो, लोटस को अपनी पूजा में रखना, अपने रूम में रखना, वो आपको हमेशा इंस्पायर करेगा टू अंडरस्टैंड, टू नो दैट यू आर लाइक अ लोटस। आप कीचड़ में से भी उग सकते हो। ओके, ये एक सिग्निफिकेंस होगा आपके लोटस रखने का। सो इफ़ यू वर्क विद लोटस फ्लावर, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। एंड इट्स ऑल्सो लाइक, यू नो, आप अपनी ना एक वॉरियर एनर्जी में स्टेप इन करते हुए दिख रहे हो। ओके, बहुत ब्यूटिफुल वॉरियर टाइप की एनर्जी है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ कि ये क्या एनर्जी है। बट इट्स a bit hard for me to actually explain, but just know that there's a new you waiting for you, there's a new side to you which is waiting for you to acknowledge it, to accept it and to see it. Okay, and then we have material harvest also. आपकी manifestation powers जो है वो increase होती हुई दिख रही हैं। ओके, इट्स लाइक आपकी रिसेप्टिविटी जो है वो एक हेल्दी तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, जहाँ पे यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट मनी आपके पास आएगा। ओके, आपको चेज़ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ काम ढूंढूँ, ये करूँ, वो करूँ, नो, यू विल फाइंड योर वे टू इंक्रीज़ योर अबंडेंस, टू इंक्रीज़ योर फाइनेंशियल अबंडेंस, एंड वो बहुत अच्छे से होती हुई दिख रही है। आप में से काफ़ी लोगों के ना लाइफस्टाइल में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। ओके, हेल्थ के अंदर आप हो सकते हैं, आप और ऑर्गेनिक खाना खाओ और आप और अच्छा खाना खाओ। कुछ लोग किचन गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर डेफिनेटली हैपनिंग व्हेन इट कम्स टू अबंडेंस। एंड सेकंड जो है उसके अंदर रोमांस का कार्ड आया है एंजल्स के, उसमें रोमांस एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ रोमांस को लेके कि कैसे ये जो आपकी जो जर्नी होने वाली है सितंबर की वो इम्पॉर्टेंट होगी। रोमांस को बहुत ज़्यादा पेडेस्टल पे नहीं चढ़ाना है, हर चीज़ को बैलेंस में रखने की कोशिश करनी है। नॉट एग्जैक्टली बैलेंस तो कभी भी ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, बट ट्राई टू बी मोर सिस्टमैटिक। ओके, दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।